हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने है। ऐ मिस्र की नायाब मीनारें, जो कुर्बानी आपको चाहिए उन्हें साथ में ले आ रहा हूँ। अंगूठी के चिन्ह तक हम पहुंचेंगे और हमें वहां तक पहुंचाएगा काला चोर। बस अब जल्द से जल्द हमारी आंखों के सामने आ जा और हमें हमारी अंगूठी का चिन्ह दिला जा काले चोर। बाकी सारा सामान तो मैं बाहर फेंक देता हूँ, लेकिन इस चिराग को अपने पास रख लेता हूँ। अशफाक मियां मुच्छड़ खाती है, तभी तो देखो ना उसने मुहिम को रुख बदल कर वो हमें यहाँ नायाब मीनारों के पास ले आया। कसम भागे में सच कह रहे हो तो मुच्छड़ ने अपनी चाल चलती है, वक्त है हमारी चाल का। बेटी की तुम पिछड़ी ढूंढो घान तो चक गए। हाँ ये देखो अब ढूंढू खान हमें मुच्छड़ तक पहुंचाएंगे। मुच्छड़ तक पहुंचने का सिर्फ यही एक आखिरी मौका है। चलो हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो। नंगड़ी ढूंढू खान उस तरफ इशारा कर रहे हैं। मान गए हुजूर, क्या चाल चली है आपने। बिल्ली ने मलाई खाई और इल्जाम चूहे पे लगा। गुनहगार आप और शक का कांटा अशफाक पे। अब अशफाक मियां को जाकर पता चलेगा कि अब हाथ में कांटे को लेकर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाके चुभेगा। वाह हुजूर वाह, आप तो ताने भी शायराना अंदाज में देते हैं। अभी तो बात शुरू हुई है और बात आगे बढ़ेगी जब आग लगेगी। खेमे में आग लगने के बाद सारे लोग भागेंगे और वो कहाँ भागेंगे जानते हो? मिस्र की नायाब मीनारों की तरफ।
जब वो मिस्र की नायाब मीनारे पहुंचेंगे तो हम उन्हें सहराल की आग में झोंक देंगे। फिर हमें अंगूठी के जिन को पाने से कोई नहीं रोक सकता। मित्री, लगता है शामियाने में और लोग भी हैं। इसका मतलब मुच्छड़ और उसके बाकी लोग भी वही हैं। और कोई हो ना हो, लेकिन मुच्छड़ इसके अंदर जरूर है। चलो आज हम मुच्छड़ को पकड़ कर आएंगे। ज़फ़र, मैंने आपकी और चमन की सारी बातें सुन ली। कौम के गद्दार हैं आप। मैं आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। सारी दुनिया से आपकी असलियत बता के रहूंगा। तुम सबको सच्चाई बताना चाहते हो? जाओ अश्वाक मिया, हमने तुम्हें इजाजत दी। लगी नहीं, लगाई गई है। किसने? मुच्छड़ ने। मुझे लगता है और भी लोग, और उनकी जान खतरे में। मुझे उन्हें बचाना होगा। नहीं, अलादीन! टूटूगा, ये तो छोड़, मैं तो छूंगा नहीं। अलादीन, नहीं, नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे बहुत आग लग चुकी है। चकचड़ी, मुझे पूरा यकीन है कि मुच्छड़ यही है। अपनी आंखें खोल के देखो। तुम अंदर जाओगे तो आग में जलन जाओगे और हम तुम्हें अब तुम्हारी जान के साथ खेलने नहीं देंगे। चकचड़ी, मैं मुच्छड़ को अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता। अगर वो इस बार भी बचा तो बहुत कसा हो जाएगा। अलादीन, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम मुच्छड़ को पकड़ना चाहते हो ना, लेकिन अपनी जान दे देने से वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मेरे लिए मुच्छड़ को पकड़ने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। तुझे जाना होगा। अश्वाक मिया, उठिए, अश्वाक मिया।
बेटे की तुम कसम सोने की अशर्फियों की मेरे लगते जिगर, जल्दी कर वरना वो किरायेदार हाथ से निकल जाएगा और उसकी अशर्फियां भी। ओए 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 भाभी अलादीन, भाभी क्या भाभी, अलादीन जीनू वापस आ जाए फिर हम तो, अरे तो आके क्या कर लेंगे हां क्या करेंगे वहां के, मैं क्या कर सकता हूं उनके बिना, मैं कहां जाऊंगी, जा बेटा जल्दी कर, अरे जाना ये भी उठा के फेंक गुलबदन अभी, लेकिन मैं काली चोर, लक्ष्मी तुम अंदर क्यों आई, यहाँ अभी खतरा तरह नहीं है, हाँ बार भी फैल चुकी है, हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो लक्ष्मी मैंने दो लोगों को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा और मुझे पूरा यकीन है उसमें कोई एक मुच्छड़ है, मुझे उनका पीछा करना होगा, तो हर आग लग चुकी है काले, चलो हमें लोगों को जाके बचाना होगा, जल्दी चलो हमारे खेमे में कोई है जी, हुजूर दो लोग हैं लेकिन तुम्हें की वजह से उनकी शक्लें नहीं दिखाई दे रही, आखिर कौन है ये दो बेवकूफ जो अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ तक पहुँच गए, खैर बड़ी बड़ी जंगों में अक्सर ऐसी कुर्बानियाँ दी जाती हैं। जनाब आप यहाँ इस वक्त, अबू कह रहे हैं जब तक इन्हें रहने के लिए दूसरा घर नहीं मिल जाता वो यहाँ रह सकती है, कसम सोने की अशर्फियों की, जनाब ये हमारा घर है, कोई सराय तो नहीं कि कोई ऐरा गैरा यहीं रुक जाए, बेगम रुखसार इस घर से बाहर जाएगी और ये बेजुबान मियां अब इस घर में रहेंगे, अब्बू कह रहे हैं उन्होंने आप जैसे घटिया तटपुंजिये फटीचर लोगों को इस घर के दुगने पैसे दिए, ओ घटिया तटपुंजिये फटीचर, एक बात बता तुझे हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता गुल्लू, और अब्बू ये भी कह रहे हैं कि अगर चाहते हो आगे भी ऐसे दुगने पैसे मिलते रहे तो अब्बू की बात माननी होगी वरना, जनाब नाजनीन तो आप ही के बारे में सोच रही थी, आप तो खामखा ही नाराज हो गए, वैसे ये औरत एहसान फरामोश है, किसी के एहसान याद नहीं रखती, और तो और जनाब ये एक गद्दार की बीवी है, देखा हमारी बिल्ली हमें मियाओं, जनाब आप इस औरत के आंसुओं पर मत जाइए, मैं अभी इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालता हूँ, अबू औरतों का बहुत प्रयास करते हैं, उन्हें औरतों की बेइज्जती करने वाले लोगों से सख्त नफरत है, इसीलिए आप यहाँ से जाइए, खाला जान यही रहेगी वरना वरना के आगे हम बखूबी जानते हैं, अब आपकी मर्जी, घर आपका हुआ मर्जी आपकी हुई है, जनाब अगर कोई खिदमत विदमत हो तो हमें बता दीजिएगा हम आ जाएंगे,
अबू कह रहे हैं कि वो तिल चट्टों से खिदमत नहीं कराते। तिल चट्टा? इन्होंने मुझे तिल चट्टा कहा? ऐसी बेइज्जती तो कोई अपना ही कर सकता है। जनाब, आपके और मेरे बीच जरूर कोई रिश्ता है। अबू कह रहे हैं अपने इस फटे जूते जैसे शौहर को अपने पास ही रखो। क्या बात कही बच्चे, घर जाके काम नहीं करना, यहीं सबको टट्टू लगे। चल बोलू, चल 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 मेरे बच्चे, चल। क्या हट यहाँ से, वरना क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा बताओ। बताओ क्या? अम्मी, शुक्र है अल्लाह। माफ करना, खाना बहुत हो गया, अब थोड़ी कसरत हो जाए। कसरत? अच्छा, वो वाली कसरत। अबू, अरे इसे क्या मार रहे हो, उसे पकड़ो। चूहे, अपने आप को समझता क्या है? ये तेरे अब्बू की दुकान है जो तहस नहस कर रहा है। यूद बिलाऊं ऐसे नहीं मानेगा। तेरी तो अब खबरदार जो बच्चे पे हाथ उठाया। जनाब आदाब, मैं क्या कह रही थी, आपका बच्चा बड़ा शरीर है, पर इसमें इस मासूम की कोई गलती नहीं। बिन माँ के बच्चे अक्सर ऐसे हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप कोई हसीन, जवान, कम सिन, खूबसूरत औरत देखकर जो बेवा हो उससे निकाह कर लीजिए। बेगम, तुम बेवा नहीं हो। तुम पे बैठूंगी तो दो पल में हो जाऊंगी। हाथ थाम लीजिए। अब्बू कह रहे हैं आप अपनी औकात में रही, और अब्बू ये भी कह रहे हैं कि अब्बू ने आपको दुगना किराया दिया, इसीलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अगर आपको एतराज है तो अब्बू का किराया लौटा दीजिए, बात खत्म। क्यों गुल्लू भैया? इनका तो उसूल है, जिसका लिया उसका कभी ना दिया। क्या कहा अब्बू? अरे चुप करो, बात कर रही हूँ मैं जनाब से। जनाब, जब बात पैसों की है तो कोई बात नहीं। बेटा, दुकान की चीजें क्या तेरी मर्जी हो तो इन्हें कुएं में फेंक दे, नाजनीन कुछ ना कहेगी। चलो ना, चलो चल बेटा मेरे लगते जिगर। मेरी रुखसार को कितना सताया और खुद सना सी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये तो छोटी सी झलकी थी, अभी तो तुम पर कहर टूटना बाकी है। बैठे के तुम बहुत बहुत लोग घायल हो चुके, तुम सबकी मदद करनी होगी। तुमने बहुत बड़ा खेल खेला। उठिए, घबराइए मत, उठिए 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 जल्दी। वक्त आ गया है,
मुच्छड़ का काले चोर के सामने आने का। तुम अच्छी तरह जानते हो ना तुम्हें क्या करना है उजड़े हुए चमन। सब कुछ याद है जनाब। मुच्छड़ तिलिस्मी किताब के मुताबिक हम बस इतने से दूर हैं, इतने से दूर हैं अंगूठी के जिन को पाने से। बस अब वक्त आ चुका है इस पूरी साजिश को अंजाम देने का। इन बेचारे मासूम लोगों को मिस्र की नायाब मीनारों तक पहुंचाने का और फिर हम बनेंगे अंगूठी के जिन के आका।